अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है। देखो, हमेशा जब यहाँ पर एक आपको बताया गया ना कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो तो ठीक है, लेकिन ग्राफ को आपने एक नज़र देखने की, ये ग्राफ किस किस के बीच में, इस ग्राफ को अगर हम देखें ना, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ठीक है, एस और टी के बीच में हर एक ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है। और हमें पता है कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है। एक इक्वेशन हमारे पास होता है इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तीसरा हमारे पास होता है टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो याद रखना, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले वाले की बात करूँ, इस इक्वेशन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये किस किस के बीच में है, ये विलास्टी और एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक है, विलास्टी और एक्सेलरेशन के बीच में। तो अगर ये ग्राफ्स आपको विलास्टी और टाइम का गिवन होता ना, सॉरी विलास्टी और टाइम का गिवन होता एट कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास क्या है, विलास्टी और टाइम का ग्राफ हमें ये बताएगा, ठीक है। तो अगर ये हमें रिलेशन में यहाँ पर क्या गिवन होता, विलास्टी टाइम गिवन होता इस ऑप्शन थ्री में, ठीक है, तो हम इसको टिक करते हैं, क्योंकि देखो ये लीनियर रिलेशन है। अगर मैं इसको देखूँ वी इज इक्वल टू, ठीक है, ए टी, अगर मैं इसमें यू ज़ीरो पुट करूँ, तो अगर इस ग्राफ को मैं देखूँ ना, तो ये लीनियर रिलेशन है, वी और टी के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन है। और लीनियर रिलेशन का ग्राफ इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पर एस है तो इसको मैं फिक नहीं कर सकता, यहाँ पर एस ओवर टी है, तो मैंने एस ओवर टी वाला रिलेशन का ग्राफ उठाने जो कि इस वाले में आते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये सारे तीनों इक्वेशन हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो अगर मैं इस वाले को देखूँ ना, इसमें अब देखे एस ओवर टी का रिलेशन देखे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, स्क्वेयर रिलेशन है। एस और टी का क्या रिलेशन है, स्क्वेयर, और स्क्वेयर रिलेशन क्या होता है, पैराबोला होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ड्रा करूँ ना पैराबोला, देखो इस तरह, इसको पैराबोला कहते हैं, स्क्वेयर रिलेशन, ठीक है। तो ये कौन से ग्राफ में आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये सिर्फ एक ग्राफ में आ रहा है हमारे पास, ये देखो ऑप्शन नंबर वन में ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन वन में हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस ग्राफ में, ठीक है।